हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टेक्निकल डिजी में। दोस्तों आज है हमारे पास ये आईफोन है, रिफर्बिश आईफोन है, रिन्यू है, अमेजोन पर रिन्यू करके आते हैं और फ्लिपकार्ट पर रिफर्बिश करके आते हैं। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है और इसकी क्वालिटी कैसी है, फोन कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल अभी ये सील पैक है, इसे ओपन नहीं किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों सर्टिफाइड रिफर्बिश, अनबॉक्स लाइक न्यू, नेट क्वांटिटी 1 यूनिट, अडेप्टर मिलेगा 1 यूनिट, चार्जिंग केबल मिलेगी 1 यूनिट, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पैकेजिंग मार्च 2022, मतलब अभी लेटेस्ट ही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूनिक आईडी, ईएमआई नंबर, एप्पल आईफोन 6s प्लस स्पेस ग्रे 32GB लिखा हुआ है, मोबाइल में भी चेक करेंगे। और ये फ्लिपकार्ट का रिफर्बिश का सील भी लगा हुआ है दोनों साइड पर, और यहाँ पर आईफोन लिखा है, यहाँ पर आईफोन लिखा है, आगे प्लेन है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। दोस्तों फर्स्टली हम इसके सील ओपन करते हैं और ये दूसरा सील कट किया और सिंपली हम ओपन करेंगे। ओके गाइस, इस तरह से ये पैकेजिंग है, पैकेजिंग मतलब ये रैप लगा हुआ है, इसमें मोबाइल है, इसको साइड में रखते हैं और अंदर क्या है देखते हैं। वारंटी कार्ड है दोस्तों, देख सकते हो आप, रजिस्टर योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर और बहुत सारी डिटेल्स है आप पढ़ सकते हो। एक सिम इंजेक्टर टूल है दोस्तों, पिन सिम और इसको भी बाजू में रखते हैं। ओ भाई, मतलब देखो दोस्तों चार्जर और केबल का ही जिक्र था लेकिन उन्होंने मतलब ईयरफोन प्रोवाइड कर दिए, वाह कमाल की बात है दोस्तों। ओरिजिनल है क्या पता नहीं लेकिन ओरिजिनल ही रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्वालिटी कैसी है ओरिजिनल है क्या। और ये केबल, लाइटनिंग केबल है इसकी, एप्पल की, इस पे और भी। और ये बहुत ही पैक है, अच्छा ये ऊपर से निकलता है और डायरेक्ट लिंक निकालने हैं दोस्तों यहाँ से गोल गोल करके, वो बाद में निकालते हैं हम। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम मोबाइल निकालते हैं अभी पीछे के साइड से। वाव दोस्तों क्या लुक लग रहा है, देखो दोस्तों मतलब एक भी स्क्रैच नहीं है, डायरेक्ट न्यू लग रहा है। और ये इवन मतलब इसका जो एप्पल का ये लोगो है इस पर भी क्रैश नहीं है दोस्तों, देखिए एकदम क्लीन फोन है। और कैमरा, कैमरा पर भी कोई क्रैश नहीं है। और ये आगे की साइड देखिए, एकदम न्यू एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा है दोस्तों, वाव। इस पर स्क्रीन प्रोटेक्शन है क्या पता नहीं। और ये साइड बटन देखिए दोस्तों, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये वाइब्रेट अलर्ट साइलेंट का, और यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ सिम इंजेक्टर का ऑप्शन। सबसे खास बात है दोस्तों इसमें 3.5 mm जैक मिलता है दोस्तों आपको, और ये लाइटनिंग केबल का पोर्ट, स्पीकर ग्रिल ऊपर के साइड में कुछ नहीं है। चले दोस्तों फोन को अभी हम ऑन करते हैं, कहाँ पे बटन, साइड में बटन है। ओ भाई चालू हो चुका है, एप्पल का लोगो भी आ चुका है, तो देखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ़ोन में, बैटरी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो अभी कितना देर लगता है देखते हैं, चालू ही देता है मैं शूटिंग कर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है चालू हो चुका है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, सेटअप करते हैं इंग्लिश, सेटअप मैन्युअली, क्विक स्टार्ट, कंटिन्यू, नेटवर्क अटैच कर देते हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स, वाईफाई, पासवर्ड, सेटअप टच आईडी। पासकोड रख देते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं,
वेलकम टू आईफोन। ओ भाई, सेटअप हो चुका है और इसका क्वालिटी देखिए दोस्तों, डिस्प्ले की कितनी अच्छी है, मतलब एकदम स्मूथ लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ब्राइटनेस लेवल बहुत है दोस्तों, इसकी कम ही रखते हैं। अभी हम इसकी सेटिंग चेक करेंगे, अबाउट फोन, जनरल अबाउट। तो देखिए दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन मतलब 15.2 पर चल रहा है दोस्तों। देखिए डायरेक्ट अपडेट होके आया है, मतलब अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं। और नीचे सीरियल नंबर है दोस्तों, ये सीरियल नंबर हमको चेक करना पड़ेगा, FTH वाली कौन सी सीरीज़ है। नेटवर्क नॉट अवेलेबल, 32 GB है अवेलेबल, 22 GB मिलता है दोस्तों इसमें। ठीक है, कैमरा, ठीक है, फोटो निकल आया है, ठीक है, कैमरा भी ओके है। ये क्या है, ओह ठीक है, उस पर ही है। क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। और वीडियो मोड सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, स्लोमो, टाइम लैप्स, ठीक है, वीडियो शूट करके देखते हैं। फोटो मोड, सेल्फी देखते हैं कैमरा कैसा है। ओके, सेल्फी भी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। बाद में वीडियो सेल्फी देखते हैं। ओके ठीक है, ये भी ओके। गाइस, मोबाइल तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसमें कुछ इश्यू जब आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं। पहले चेक करना पड़ेगा मुझे, एक दो दिन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो बैटरी हेल्थ मैंने चेक नहीं की, ठीक है अभी चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, बैटरी हेल्थ 100% है पड़ेगा, ये देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी 100%। और ये इसका डिस्प्ले साइज है दोस्तों 5.5 इंच है, मतलब जो रेगुलर आईफोन 6 रहते हैं उसमें 4.7 इंचेस आता है। iPhone 7 में भी 4.7 है, iPhone 8 में भी 4.7 है, और जो प्लस की सीरीज रहती है उसमें बड़ा डिस्प्ले देते हैं 5.5 इंच का। तो ये 5.5 इंच है, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ठीक है, चार्जिंग हो रही है दोस्तों, ये देखिए चार्जिंग को लगा दिया है। अभी 80% होगा तब तक मैं चार्ज करता हूँ, और कितनी देर में होता है वो भी चेक करता हूँ, और बाद में पूरा मोबाइल चेक करने के बाद पता चलेगा क्या इशू है क्या नहीं। मुझे इशू तो कोई लगा नहीं, लेकिन बाद में पता चलेगा, अभी अभी आए हैं तो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कैसे होता है क्या होता है, और इसकी क्वालिटी मतलब एक भी स्क्रैच नहीं, अनबॉक्स लाइक न्यू, मतलब सिर्फ न्यू का एक्सपीरियंस इसमें मिलता है दोस्तों। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, आप भी परचेस कर सकते हैं, आपको परचेस करना होगा तो। मेरा काम था आपको दिखाना कि मोबाइल कैसे आता है, मैं भी क्यूरियस था कि सच में कैसा मिलेगा प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, अनबॉक्स लाइक न्यू में परचेस कीजिए। उसमें भी कैटेगरी होती है, 2-3 कैटेगरी होती है, रिफर्बिश सुपर कंडीशन, रिफर्बिश गुड कंडीशन, और अनबॉक्स लाइक न्यू मतलब एक नंबर की कंडीशन पर रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे टेक्निकल डिजिटल। धन्यवाद।